तो दोस्तों इस वीडियो में हमें रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अगर ये आपको समझ में आया तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप रिजल्टेंट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे दोस्तों दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करते थे। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है एक फोर्स जो कि है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एक ही फोर्स लग रहा है मतलब वही फोर्स रिजल्टेंट होगा, ठीक है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा नेट फोर्स क्या है यहाँ पे 10 न्यूटन है। किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक फोर्स लग रहा है F1, और इसी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि सेम 10 न्यूटन है, तो ये ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे जाएगा, ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर दोस्तों नेट फोर्स क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 10 - 10 = 0, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दोस्तों इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स है और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स है। तो अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, नेट फोर्स इज इक्वल टू बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, 10 - 5 कितना आया है दोस्तों, ये 5, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिगर फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स 5 न्यूटन होगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर दोस्तों सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन, और दोनों के बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्रीज है। अब बताइए दोस्तों इसका नेट फोर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, अब नेट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वेक्टर, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सेकेंड चैप्टर दोस्तों मैथमेटिकल मेथड में हम ये पढ़ चुके हैं, इसके दो मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहली मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको स्केल एज्यूम करना होता है। हमने यहाँ पे एक स्केल एज्यूम किया, सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो ये वेक्टर देखिए 5 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो ये वेक्टर 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये वेक्टर 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए, इसको पैरेलल यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो अगर ये F1 है, ये F2 है, तो ये F1 हमने 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे बना लिया है। अब दोस्तों इसको पैरेलल आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, ठीक है, इसको पैरेलल बनानी है। तो ये दोस्तों F2 आपने दिखाया है जो कि 1 सेंटीमीटर का है इस फोर्स के लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको एक लाइन ज्वाइन करनी है, ये लाइन दिखाएगी रिजल्टेंट, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है दोस्तों, इसकी लेंथ कितनी है देखिए। तो ये लेंथ दोस्तों हमें मिल चुकी है यहाँ पे, ये लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसको आप जब स्केल से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तब आपको ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 2.8 × 5 कितना होता है देखिए यहाँ पे, 5 × 8 = 40, 5 × 2 = 10, 4, ठीक है। तो ये 14 आपको रिजल्टेंट जो है ये 14 न्यूटन मिल चुका है। और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है 14 न्यूटन का, इसको पैरेलली आपको क्या करना है दोस्तों, इसको पैरेलली आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसको पैरेलल लाइन अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो ये रिजल्टेंट होगा 14 न्यूटन और ये एंगल मिल जाएगा आप लोग आपको यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस फोर्स के और इस फोर्स के वजह से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाने वाला है और ये नेट फोर्स होगा उसके ऊपर। तो एक तो ये मेथड हो गई दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे आप इसका नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी मेथड दोस्तों हमने देखी थी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें आप क्या करते थे, इसमें दोस्तों आप आर फाइंड आउट करते थे, जिसका फॉर्मूला था एनालिटिकल मेथड थी, ये आर फाइंड आउट करते थे जो कि फॉर्मूला क्या था, p² + q² + 2pq cos θ। पी मतलब ये पहला वेक्टर, इसको आप पी नाम दोगे, ठीक है, और ये क्यू मतलब ये दूसरा वेक्टर, ये क्यू होगा 5 न्यूटन, और थीटा का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्रीज। अगर ये पी 10, क्यू 5 और थीटा 60 डिग्रीज आप यहाँ पे रखोगे तो आर की वैल्यू आपको दोस्तों कुछ इसके करीब मिलेगी, ओके, ये 14 न्यूटन के करीब मिलेगी, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको मिल गया दोस्तों रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी, मतलब अल्फा कैसे फाइंड आउट करोगे, अल्फा का भी फॉर्मूला हमने तब देखा था, अल्फा का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, टैन इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा,
ठीक है, मतलब ये अगर अल्फा निकालना है आपको तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर दोस्तों ये हमने जो पढ़ा है आपके ध्यान में नहीं है तो आप जा करके सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स उसके जो वीडियोज़ हैं, पहले चार पांच वीडियो में हमने ये पढ़ा था, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। ये दो मेथड्स का लिमिटेशन क्या है दोस्तों, ये दो मेथड्स आप तभी यूज़ कर सकते हो जब दो वेक्टर्स हो या फिर दो फोर्सेस हो, दो से ज़्यादा वेक्टर्स या दो से ज़्यादा फोर्सेस जब होंगे तब आप ये मेथड्स नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों रिजल्टेंट या नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड आपको सीखनी होगी, जिसको कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और वो जो मेथड है दोस्तों, आप दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, मतलब दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो उसमें स्टेप नंबर वन क्या है देखिए, उसमें आपको मैं इसका रिजल्टेंट काट के बताता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर वन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर देना है दोस्तों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अब दोस्तों ये जो फोर्सेस हैं यहाँ पे देखिए, ये जो फोर्सेस हैं इनमें से जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर फोर्सेस आ रहे हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाना है। मतलब देखिए ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाना है, ये 10 न्यूटन हो गया। और दूसरे जो फोर्सेस हैं जो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे नहीं आ रहे हैं उनको आपको रिजॉल्व करना है दोस्तों। तो ये 5 न्यूटन का जो फोर्स है इसको आपको अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई रिजॉल्व करना है। ठीक है, अलॉन्ग एक्स कॉम्पोनेंट इसका क्या होगा, ये होगा देखिए जिस साइड पर एंगल दिया होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। तो ये होगा 5 cos 60। चैप्टर नंबर सेकंड मैथमेटिकल मेथड्स में हमने ये सीखा है कि वेक्टर कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये कंपोनेंट हो गया उसका 5 cos 60 और ये कंपोनेंट हो गया दोस्तों उसका 5 sin 60। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस पर आ रहे हैं तो इनको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ये होगा 5 cos 60 और ये होगा दोस्तों यहाँ पे 5 sin 60। तो ये स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर टू में आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, स्टेप नंबर टू में आपको आर एक्स और आर वाई फाइंड आउट करना है। ये आर एक्स और आर वाई क्या होता है, ये रिजल्टेंट के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आर एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनकी सम यहाँ पे आपको करनी है। जो राइट साइड पे एक्ट हो रहा है उसको प्लस लेना है, जो लेफ्ट साइड पे एक्ट हो रहा है उसको माइनस लेना है। और आर वाई मतलब क्या होता है कि जो भी वर्टिकल कंपोनेंट आ रहे हैं उनकी यहाँ पे आपको अल्जेब्रिक सम लेनी है। मतलब जो भी ऊपर जा रहा है वो प्लस लेना है, नीचे जा रहा है वो माइनस लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो आर एक्स फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आर एक्स क्या होगा, ये 10 टूवर्ड्स राइट है तो प्लस होगा +10, और ये 5 cos 60 भी टूवर्ड्स राइट है तो ये होगा +5 cos 60। ठीक है, ओके, इनका आंसर क्या आएगा देखिए, 10 + 5 cos 60, ये मैंने कैलकुलेटर पर किया हुआ है, ये होता है 12.5 न्यूटन। इसका साइन भी इंपॉर्टेंट है, इसका साइन प्लस आ रहा है। ठीक है, ये साइन भी इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए आर वाई क्या आएगा, देखिए दोस्तों आर वाई में एक ही कंपोनेंट है वर्टिकल और जो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा +5 sin 60 और ये प्लस है, मतलब इसका साइन प्लस आ रहा है। ये आंसर आपको मिल रहा है 4.33 न्यूटन। तो आपको आर एक्स भी प्लस मिल चुका है, आर वाई भी प्लस मिल चुका है। ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, इसको यहाँ पे दिखाना है दोस्तों। ये आर एक्स प्लस है तो यहाँ पे देखिए ये आर एक्स कितना है, 12.5 प्लस है मतलब टूवर्ड्स राइट, और आर वाई माइनस आर वाई भी प्लस है यहाँ पे तो ये ऊपर जाएगा। ये कितना है 4.33, ये आर वाई मिल चुका है आपको, ये आर एक्स मिल चुका है। ये एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, ये वाई कंपोनेंट है रिजल्टेंट का। ठीक है, तो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हो, ये आर वाई मतलब ये भी आर वाई है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस से आर निकाल सकते हो। आर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर एक्स की ये वैल्यू और आर वाई की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिजल्टेंट, जो कि है देखिए 13.22 न्यूटन। ओके, तो यही एग्जांपल दोस्तों हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में से सॉल्व किया था, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला था, 14 न्यूटन मिला था। यहाँ पे रिजल्टेंट हमें 14 न्यूटन मिला था, जो कि बहुत करीब है इसके। ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, वहाँ पे एरर हो सकती है क्योंकि वहाँ पे हमने स्केल का यूज़ किया था, हमने ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया था, तो स्केल में या फिर ऑब्जर्वेशन में थोड़ा एरर हो सकती है। तो ये आंसर में थोड़ा सा एरर होगा, यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब ये तो दोस्तों आपको मिल चुका है क्या, रिजल्टेंट मिल चुका है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, डायरेक्शन के लिए दोस्तों ये एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा अल्फ़ा। तो इस ट्रायंगल में दोस्तों टैन अल्फ़ा का इस्तेमाल करो। टैन अल्फ़ा क्या होगा, टैन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है, आर वाई 4.33 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, यहाँ पे आर एक्स कितना है 12.5। मतलब टैन अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पे, आर वाई अपॉन आर एक्स। तो अल्फ़ा कैसे निकालोगे दोस्तों, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो अल्फ़ा के लिए। अल्फ़ा के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा मिल जाएगा, ये अल्फ़ा देखिए टैन इनवर्स ऑफ
आर वाई 4.33 डिवाइडेड बाय आर एक्स 12.5। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा मिल रहा है दोस्तों, ये अल्फ़ा अराउंड देखिए कितना है दोस्तों, ये अल्फ़ा आपको यहाँ पे मिल चुका है जो कि है 19.10 डिग्रीज। तो ये अल्फ़ा 19.10 डिग्रीज है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे 5 न्यूटन 10 न्यूटन, मतलब ये ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये रिजल्टेंट जिसका ये एंगल है 19.10 डिग्रीज, और ये रिजल्टेंट कितना आ गया है देखिए दोस्तों, ये 13.22 न्यूटन। तो आप इस अल्फ़ा को और इसको वहाँ से चेक कर सकते हो, जो हमने मेथड यूज़ की थी पैरेललोग्राम मेथड या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो ये करेक्ट आंसर आने वाला है। तो ये तो हुआ दोस्तों दो वेक्टर्स के लिए मेथड, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो यही मेथड कैसे करोगे, एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन। तो इसके ऊपर दोस्तों नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं अभी जो मेथड हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल करके लेना है यहाँ पे। अब दोस्तों जो फोर्सेस एक्स एक्सिस पर हैं और वाई एक्सिस पर हैं उसको वैसे ही दिखाना है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 10 न्यूटन होगा, देखिए यहाँ पे ये 10 न्यूटन होगा, और ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो ये 15 न्यूटन होगा नीचे की तरफ, ओके। अब जो बचे हुए फोर्सेस हैं जो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर नहीं है उनको आपको रिजॉल्व करना है। तो ये 5 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिजॉल्व करना है, तो ये क्या होगा 5 cos 60। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा इसका 5 cos 60, और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा 5 sin 60, ठीक है। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे 12 cos 30 होगा, ये होगा 12 cos 30, और इसका वाई कंपोनेंट ऊपर जाने वाला है, ये होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 sin 30। ये स्टेप नंबर वन करनी है आपको। स्टेप नंबर टू में आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, स्टेप नंबर टू में आपको आर एक्स फाइंड आउट करना है और आर वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसकी अल्जेब्रिक सम निकालनी है, जो राइट पे एक्ट हो रहा है वो प्लस, लेफ्ट पे एक्ट हो रहा है वो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे +10 +5 cos 60 +5 cos 60, ठीक है, और ये क्या होगा, ये -12 cos 30। इसका आंसर कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया दोस्तों, ये आ रहा है +2.11 न्यूटन, ठीक है। अब दोस्तों आर वाई मतलब इनकी एडिशन करनी है, जो ऊपर जा रहा है वो प्लस, नीचे जा रहा है वो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, +5 sin 60 +12 sin 30, ये होगा -15, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये माइनस आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, -4.67 न्यूटन। तो अब आपको दोस्तों आर एक्स और आर वाई यहाँ पे दिखाना है, या फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। आर एक्स प्लस आ रहा है तो ये टूवर्ड्स राइट होगा, ये कितना आ रहा है दोस्तों 2.11 आर एक्स, ठीक है, और आर वाई दोस्तों माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, ओके। ये होगा आर वाई, नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस, तो आर वाई कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 4.67, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कुछ तो, और ये होगा अल्फ़ा। तो इस ट्रायंगल में दोस्तों आप पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके आर निकाल सकते हो। आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आर एक्स दोस्तों यहाँ पे 2.11 है, आर वाई देखिए ये -4.67 है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो आपको रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ रही है दोस्तों यहाँ पे देखिए 5.11 न्यूटन। तो रिजल्टेंट तो दोस्तों आपको मिल चुका है इसका 5.11 न्यूटन, मतलब ये चार फोर्सेस का नेट फोर्स 5.11 न्यूटन है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका अल्फ़ा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हम देख चुके हैं टैन इनवर्स ऑफ सिग्मा, सॉरी ये आर वाई हम बोले हैं इसको, ठीक है। तो आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, तो टैन इनवर्स ऑफ आर वाई कितना है, यहाँ पे दोस्तों आपको ये साइन एज्यूम नहीं करना है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस आनी चाहिए, सिर्फ ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्लस लेनी है आपको, तो क्या होगा देखिए, टैन इनवर्स ऑफ आर वाई, आर वाई कितना है 4.67 डिवाइडेड बाय आर एक्स कितना है 2.11। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, टैन इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 65.74 डिग्रीज। तो अल्फा आपको मिल चुका है दोस्तों यहाँ पे देखिए 65.74 डिग्रीज, ओके। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इन चार फोर्सेस का नेट फोर्स जो कि है आर, जो इस डायरेक्शन में है, उसकी मैग्नीट्यूड है 5.11, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है जो कि है 5.11 न्यूटन, और इसका ये एंगल जो है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 65.74 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, 74 सॉरी, ओके। दोस्तों एक एग्जांपल आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 और सॉल्व एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल नंबर 4.2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करिए उसको।
एग्जाम्पल नंबर 4.2। थ्री आइडेंटिकल पॉइंट मासेस आर फिक्स्ड सिमेट्रिकली ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल। ऑब्टेन द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी पॉइंट मास कैपिटल एम एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटर पे एक मास है कैपिटल एम, और ये सर्कल का जो पेरिफेरी है दोस्तों, यहाँ पे तीन आइडेंटिकल मासेस मतलब जिनका मास स्मॉल एम है, ऐसे सिमेट्रिकली प्लेस्ड किए हुए हैं। सिमेट्रिकली मतलब ये एंगल कितना होता है सर्कल का, 360 डिग्रीज। ठीक है, तो तीनों के बीच में का एंगल कितना होगा, 120, 120 और 120 होगा। ठीक है, तो पहला मास अगर आपने यहाँ पे दिखाया, आप पहला मास कहाँ पे भी दिखा सकते हो। तो पहला मास मैंने अगर यहाँ पे दिखाया दोस्तों, ये एम आइडेंटिकल मासेस है तो उनका मास एम एज्यूम करेंगे हम। तो दूसरा मास कहाँ पे आएगा दोस्तों, ये एंगल होगा 120 डिग्रीज, दूसरा मास यहाँ पे होगा, और तीसरा मास होगा यहाँ पे। ठीक है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्रीज, इनके बीच का एंगल 120 और इनके बीच का एंगल भी 120 डिग्रीज होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर का रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट मास दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचेगा विद ग्रेविटेशनल फोर्स एफ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी तो सेम होगा, एम वन मास एम, ये होगा एम टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। तो तीनों के केस में दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही होगा, क्योंकि जी सेम, एम सेम, कैपिटल एम सेम, आर सेम। ठीक है, तो फोर्स तो सेम होगा। तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींचेगा विथ फोर्स एफ, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचेगा विथ फोर्स एफ, और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचेगा विथ फोर्स एफ। आपको दोस्तों ये जो तीन फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये तीसरा फोर्स है दोस्तों। ठीक है, आपको देखिए एंगल फाइंड आउट करना होगा। ये एंगल 120 डिग्रीज है, जिसमें से ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा 30 डिग्रीज। वैसे ही दोस्तों ये 90 डिग्रीज है तो ये होगा 30 डिग्रीज। ओके, अब जो मेथड हमने एक्सप्लेन की थी वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। आपको एक्स एक्सिस निकालना है और आपको यहाँ पे वाई एक्सिस निकालना है। ठीक है, अब जो फोर्सेस दोस्तों वाई या फिर एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं उनको वैसे ही दिखाना है। तो ये फोर्स एफ वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे दिखाया एफ। अब ये फोर्स और ये फोर्स दोस्तों इसको आपको रिजॉल्व करके लेना है अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये फोर्स देखिए एफ है, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये एंगल 30 डिग्रीज है, तो ये होगा एफ कॉस 30 और ये होगा क्या, एफ साइन 30। ठीक है, वैसे ही दोस्तों इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, यहाँ पे ये होगा एफ एंगल 30 डिग्रीज इस डायरेक्शन में दिया है, तो एफ कॉस 30 होगा, और ये इधर का कॉम्पोनेंट होगा इसका, इधर का कॉम्पोनेंट होगा एफ साइन 30। आपके जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे यहाँ पे कुछ गलती की हुई है, ये एफ कॉस 30 आ रहा है। फिर टेक्स्ट बुक में क्या दिया है देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉस 60 दिया हुआ है। ठीक है, जो कि गलत है, यहाँ पे कॉस 30 आना चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक फोर्स तो हमने दिखा दिया, दूसरा ये कॉम्पोनेंट यहाँ पे दिखाना है, ये क्या होगा एफ कॉस 30। यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट दिखा दिया, ये क्या है एफ कॉस 30। उसके बाद ये दो कॉम्पोनेंट्स, मतलब पहला कॉम्पोनेंट क्या है एफ साइन 30 और दूसरा कॉम्पोनेंट है एफ साइन 30। ठीक है, अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको आर एक्स फाइंड आउट करना है और आपको आर वाई फाइंड आउट करना है। तो आर एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की यहाँ पे अलजेब्रिक सम लेनी होगी, मतलब ये टूवर्ड्स राइट है तो प्लस होगा एफ कॉस 30 और ये टूवर्ड्स लेफ्ट है मतलब माइनस होगा, माइनस एफ कॉस 30। तो एफ प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आर एक्स तो जीरो आ रहा है, तो आर वाई कैलकुलेट करते हैं। आर वाई के लिए ऊपर जाने वाला जो कॉम्पोनेंट है वो प्लस होगा और नीचे जाने वाले दो कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे माइनस होंगे, तो ये क्या होगा माइनस एफ साइन 30, ये माइनस एफ साइन 30। तो साइन 30 होता है दोस्तों 1/2, तो ये माइनस एफ बाई टू माइनस एफ बाई टू मतलब माइनस एफ, तो प्लस एफ माइनस एफ क्या होगा दोस्तों, ये जीरो। तो आर एक्स जीरो आ रहा है, आर वाई जीरो आ रहा है, तो आर क्या होगा दोस्तों, आर क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो आर भी जीरो होगा। मतलब इस कॉम्पोनेंट के ऊपर, ये जो सेंटर पे मास है इसके ऊपर दोस्तों नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये तो मिल गया दोस्तों हमें पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, एक्सटेंड दिस आइडिया टू मोर देन थ्री आइडेंटिकल मासेस सिमेट्रिकली लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी। तो अगर दोस्तों यहाँ पे तीन मासेस के जगह अगर चार मासेस होंगे सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो क्या होगा, एक मास यहाँ पे, दूसरा मास यहाँ पे, तीसरा मास यहाँ पे, चौथा मास यहाँ पे, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं सर्कल के ऊपर, फिर भी दोस्तों क्या होगा, ये इसके ऊपर का नेट फोर्स जीरो होगा। अगर फाइव सिमेट्रिकली मासेस हैं फिर भी दोस्तों इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। अगर ये मासेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है सर्कल के ऊपर, कितने भी ज़्यादा मासेस हैं, तो इसके ऊपर का नेट फोर्स जीरो होगा। ये आंसर है दोस्तों अगले क्वेश्चन का। तो नेट फोर्स निकालने का पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। इसके आगे के जो एग्जांपल्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।